विंक मूवीज प्रेजेंटिंग चाइल्ड्स प्ले। इस कहानी की शुरुआत में शिकागो की गलियों में एक डिटेक्टिव माइक को दिखाया जाता है जो एक सीरियल किलर चार्ल्स का पीछा कर रहा है। वो चार्ल्स पर कई बार फायरिंग करता है जिससे चार्ल्स पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब चार्ल्स एक टॉय स्टोर के अंदर जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है पर चार्ल्स को काला जादू आता है जिस काले जादू को वुडू चैंट कहा जाता है और वो इस काले जादू की मदद से अपनी आत्मा को किसी में भी ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ पर बोलने वाली एक डॉल होती है। वो उसके ऊपर हाथ रखता है और वुडू चैंट करना शुरू कर देता है। तभी आसमान में बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है। अब डिटेक्टिव भी अंदर आ चुका है और इससे पहले कि वो चार्ल्स तक पहुंचता बिजली टॉय शॉप के ऊपर गिरती है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि डिटेक्टिव इस ब्लास्ट में बच जाता है लेकिन यहाँ पर चार्ल्स की बॉडी के सामने उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसके अंदर उसने अपनी आत्मा को ट्रांसफर किया है। इस डॉल का नाम गुड गाय डॉल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। वही दूसरी तरफ हमें एक विडो औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरिन है। वो अपने 6 साल के बेटे एंडी के साथ रहती है। एंडी का बर्थडे होता है। एंडी को अपने बर्थडे पर गुड गाय ब्रांड की डॉल चाहिए होती है लेकिन उसकी मॉम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। पर तभी उसकी मॉम को पता चलता है कि उसके ऑफिस के बाहर एक होमलेस आदमी है जो गुड गाय डॉल को बहुत कम कीमत पर बेच रहा है। एंडी की मॉम एंडी के लिए उस डॉल को ले आती है। एंडी उस डॉल को पाकर बहुत खुश होता है। अब क्योंकि ये एक बोलने वाली डॉल है इसीलिए वो डॉल उसे अपना नाम चक्की बताती है। एंडी की मॉम अपने ऑफिस चली जाती और अपनी दोस्त को कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। एंडी की मॉम की दोस्त देखती है कि टीवी चल रहा है जिसे वो बंद कर देती है और इसके बाद वो एंडी को उसके कमरे में सोने के लिए छोड़ आती है। पर जब वो वापस आती है तो देखती है कि एक बार फिर से टीवी अपने आप ही चल गया है। ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वही सोफे में हमें चक्की डॉल को दिखाया जाता है जो टीवी देख रही होती है। एंडी की मॉम की दोस्त को लगता है कि ये एंडी ने किया है। वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पर एंडी होता और उसे उसके बेड पर सुला देती है। चक्की भी उसी के साथ सो रहा होता है और जब एंडी सो जाता है तो चक्की उसके कमरे से बाहर निकलता है और एंडी की मॉम की दोस्त को ऊपर से नीचे गिरा कर मार देता है। अब जब एंडी की मॉम सुबह घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ है। वहाँ पर एम्बुलेंस भी है। वो भागते हुए अंदर जाती है और देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर वो डिटेक्टिव भी आ जाता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में चार्ल्स को मारा था। उसे एंडी पर शक होता है क्योंकि घर पर एंडी और एंडी की मॉम की दोस्त के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतना छोटा बच्चा एक इतनी बड़ी लेडी को कैसे मार सकता है। अब एंडी देखता है कि दरवाजे के बाहर चक्की के पैरों के निशान हैं। वो समझ जाता है कि ये चक्की ने ऐसा किया है। वो अपने मॉम को बताता है कि चक्की ने मुझे अपना असली नाम चार्ल्स रे बताया है और उसी ने आंट को ऊपर से नीचे गिरा कर मारा है। ये सुनने के बाद एंडी की मॉम को गुस्सा आता और वो उससे समझाती है कि एक डॉल ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगले सुबह दिखाया जाता है कि एंडी की मॉम उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। एंडी के साथ उसकी डॉल यानी कि चक्की भी होता है और चक्की एंडी को कहता है कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगे बल्कि ट्रेन से तुम्हें कहीं और जाना होगा। और जब एंडी की मॉम यहाँ से चली जाती है तो एंडी चक्की डॉल के साथ ट्रेन से उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर चक्की उसे ले जा रहा है। कुछ ही देर बाद ये एक घर के बाहर पहुँच जाते हैं। एंडी चक्की को एक चेयर पर बिठा देता और उसके सामने एक घर होता है। दरअसल ये चार्ल्स के दोस्त का घर है। इस कहानी की शुरुआत में जब डिटेक्टिव चार्ल्स का पीछा कर रहा था तो उसका दोस्त गाड़ी में था। वो चाहता तो वो उसे अपने साथ बचा कर ले जा सकता था लेकिन वो उस जगह से भाग गया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई और अब वो अपने उसी दोस्त से बदला लेना चाहता है। चक्की चुपचाप घर के अंदर चला जाता और गैस को ऑन कर देता है और तभी चार्ल्स के दोस्त जो अंदर सोया होता उसे एहसास होता है कि किचन के अंदर कोई है। वो अपनी गन निकाल कर किचन का दरवाजा खोलता और वहाँ शूट कर देता है जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चार्ल्स की दोस्त की मृत्यु हो जाती है। और एक बार फिर से सबका शक एंडी के ऊपर जाता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा लेकिन एंडी साफ साफ सबको बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि चक्की ने किया है। सबको ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालात सही नहीं है इसीलिए कुछ दिनों के लिए उसे साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और अब एंडी की मॉम डॉल को लेकर घर वापस आ जाती है। वो उसकी बैटरी निकालना चाहती है पर जैसे ही ढक्कन खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर बैटरी है ही नहीं। दरअसल चक्की डॉल के साथ जो बैटरीज आई थी अब भी वो पूरी तरह से सील्ड पैक होती है। चक्की को हिलाती
और वह उसे बोलने को कहती है, लेकिन चकी कोई भी मूवमेंट नहीं करता। वहां पर आग जल रही होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस आग में फेंक दूंगी, और तभी चकी उसके ऊपर हमला कर देता है। एंडी की मॉम किसी तरह से उस जगह से भागकर सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन डिटेक्टिव एंडी की मॉम पर भी विश्वास नहीं करता। अब एंडी की मॉम उस आदमी के पास जाती है जिससे उसने इस डॉल को खरीदा था। वो उससे पूछती है कि वो डॉल तुम्हें कहां से मिली, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। पर तभी वहां पर डिटेक्टिव पहुंच जाता है और अब वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें बताना होगा कि डॉल कहां से मिली, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। वो आदमी बताता है कि मैंने इसे एक जलती हुई टॉय शॉप से उठाया था, और यहाँ पर डिटेक्टिव समझ जाता है कि इसने इस डॉल को उसी जलती हुई टॉय शॉप से उठाया था जिस टॉय शॉप में उसने चार्ल्स को इस कहानी की शुरुआत में मारा था। अब डिटेक्टिव जब यहाँ से अपनी गाड़ी से घर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के पीछे चक्की बैठा होता है जो उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से डिटेक्टिव की गाड़ी पलट जाती है। और इससे पहले कि चक्की उस पर दोबारा हमला करता, डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है और चक्की की यानी कि डॉल की बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। चक्की यहां से भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे काला जादू यानी कि वुडू स्पेल सिखाया था। चक्की उसे कहता है कि जब मुझे गोली लगी तो ना सिर्फ मेरी बॉडी में दर्द हुआ बल्कि मेरी बॉडी से खून भी निकला। वो आदमी चार्ल्स को यानी कि चक्की को कहता है कि जितना ज्यादा वक्त तुम इस डॉल के अंदर रहोगे उतनी जल्दी तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओगे। पर चार्ल्स इस बॉडी की अंदर यानी कि डॉल के अंदर नहीं रहना चाहता। वो कहता है कि मुझे इस डॉल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ, पर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि चार्ल्स एक अच्छा इंसान नहीं है। वो इस जादू का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता है, पर चार्ल्स को पता होता है कि इस जादूगर की जान एक डॉल में है। वो उस डॉल को उठाकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है जिस वजह से इस आदमी को चार्ल्स को सब कुछ बताना पड़ता है। वो कहता है कि तुम अपनी आत्मा को उसी इंसान के बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो जिससे सबसे पहले तुमने अपना पूरा सच बताया था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एंडी है। इसके बाद चार्ल्स अपने मास्टर को बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से निकल जाता है। और अब यहाँ पर एंडी की मॉम और डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, जहाँ पर मरने से पहले वो आदमी इन्हें बता देता है कि अगर तुम चार्ल्स रे को यानी कि चक्की को मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके दिल पर वार करना होगा, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। वही चक्की को दिखाया जाता है जो साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर एंडी को एडमिट किया गया है। एंडी जब चक्की को देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं। चक्की सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है और इसी भागम भाग में यहाँ से एंडी भागकर अपने घर आ जाता है। चक्की भी उसका पीछा करते हुए घर पहुंच जाता है और उसे बेहोश कर देता है, और इसके बाद वो अपना वुडू मैजिक शुरू करता है जिससे वो अपनी सोल को एंडी की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर एंडी की मॉम और डिटेक्टिव आ जाते हैं। एंडी की मॉम चक्की को उठा लेती है, चक्की उसके ऊपर हमला कर देता है, साथ ही वो डिटेक्टिव को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और अब एंडी की मॉम चक्की को उठाकर एक चिमनी के अंदर बंद कर देती है। ये चिमनी पर आग भी लगा देते हैं, लेकिन तब भी चक्की नहीं मरता। वो इनके ऊपर कई बार हमले करता है और तभी डिटेक्टिव चक्की के दिल पर वार करता है जिससे चक्की की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से चक्की को यानी कि चार्ल्स रे को खत्म कर देते हैं। यहीं पर फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।